अब नाज़रीन ज़ियारत अली के हवाले से तीसरे मौजू के मानी व मफ़हूम को वाज़ह करने की कोशिश करता हूँ। नाज़रीन ज़ियारत जिस्म को होती है या रूह को, ये एक सवालिया मौजू है। जनाबे अली करमुल्लाह तआला वजहू की जो ज़ियारत साहबे मुकद्दर को होती है वो जिस्म को होगी या रूह को? नाज़रीन, हम तमाम मुसलमानों का ईमान है कि आप हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक हजरत अली करमुल्लाह तआला वजहू, हजरत बीबी फातिमतुज़्ज़हरा नूरुम में नूरुल्लाह और हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन करीमैन अल्लाह तबारक तआला का नूर है। अब गौर करें कि अल्लाह के नूर की तजल्ली कोहे तूर पर पड़ी और वो जलकर राख हो गया। हालांकि पत्थर आसानी से नहीं जलता, मगर अल्लाह के नूर की तजल्ली ने इसी पहाड़ को जलाकर राख कर दिया जो कि आज सुरमा की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। तो अब इस पोजीशन में अगर हमारे वजूद को जनाबे अली करमुल्लाह तआला वजहू की जियारत हो जाए तो क्या ये कायम रह सकता है? जब अल्लाह के नूर से पहाड़ जलकर राख बन सकता है तो भाई मेरे, अली के नूर की तजल्ली जब हमारे खाकी वजूद पर पड़ेगी तो इस वजूद का क्या हाल हो सकता है? मुख्तसर यही कहूंगा कि खाकी वजूद को जियारत होना मुमकिन ही नहीं। जियारत सिर्फ और सिर्फ रूह को ही होती है और वो भी उसी रूह को जिसमें जियारत की क्वालिटीज मौजूद हों। मतलब ये कि जब आपके लिए जियारत का वक्त करीब होगा तो उस वक्त आपकी रूह को किसी खास मुकाम पर ले जाया जाता है और इसी खास मुकाम पर आपको जियारत भी करवाई जाती है और फिर दोबारा से आपके वजूद में रूह को दाखिल किया जाता है और इस तरह जियारत का ये अमल मुकम्मल होता है जो कि एक राज है। आपको बताने वाली और भी बेशुमार बातें हैं जो कि हम अपनी इस मुख्तसर वीडियो में शेयर नहीं कर सकते। नाज़रीन, अब ज़ियारत अली और ज़ियारत हुसैन के लिए अमल बयान करता हूँ। अमल के लिए आप बादर नमाज इशा किबला रुख जाय नमाज बिछाकर इस पर बैठ जाएं, अवलो आकर पांच पांच मरतबा दुरूशरी पढ़ें और इसके बाद चौथा मरतबा दुआए नादे अली सगीर पढ़ें और इसके बाद आंखें बंद करके ये तस्वर कायम करें कि आपके दिल के ऊपर आप सरकार का नाम अली नूर से लिखा हुआ है। ये तस्वर पांच मिनट तक कायम रखें और इसके बाद पांच मरतबा दुरूशरी पढ़कर अमल बंद कर दें। इस अमल के दौरान आपके कल्ब से जिक्र अली खुतबा खुद जारी हो जाएगा और आपका दिल हर वक्त या अली पुकारता रहेगा और जो आपको वाजिया सुनाई भी देगा। इस अमल के लिए हर मुसलमान को सरकार की तरफ से, हमारे पीर मुर्शिद की तरफ से, हमारी सिलसिला की तरफ से आम इजाजत है। इस अमल के बारे में मजीद रहनुमाई अगर आपको दरकार हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राबता कायम फरमाएं। नाज़रीन, हमने अपने बयान में आपको ज़ियारत अली के हवाले से कुछ बेहद जरूरी बातें और मराहल बताए। इन मराहल से गुजर कर ही कोई फर्द बारगाह अली या बारगाह हुसैन तक रसाई हासिल कर सकता है, जिनमें पहला मरहला अपने अंदर उन खूबियों का पैदा करना है जो अली को पसंद है। दूसरे मरहले में आपके पास वो पैमाना होना चाहिए कि जिसके जरिए आप ये तजिया कर सके कि क्या जियारत हकीकत में हो रही है या ये हमारे जहन का खलल है। नाज़रीन, ये पैमाना सिर्फ और सिर्फ कुरान है। अगर जियारत में दिखाई देने वाला मंजर कुरान के ऐन मुताबिक है तो ये जियारत सही है और इसकी बिशारत भी आपको अल्लाह तबारक तआला की तरफ से इंशाल्लाह मिल जाएगी। और अगर कुरान के ऐन मुताबिक नहीं तो ये महज आपके जहन का खलल है, इसलिए कुरान का इल्म व शऊर होना आपके लिए बेहद जरूरी है। तीसरे मरहले में जियारत के बाद आप में कुछ अलग से ख्वास पैदा होना शुरू हो जाती है और आपकी जिंदगी का हर हर अमल कुरान और हुक्म के ऐन मुताबिक खुद ब खुद हो जाता है। इसके अलावा आपके चेहरे पर अजीब नूर पैदा हो जाता है जो हर फर्द के लिए हैरानगी का बायस होता है और इसके बाद फर्द राहे रास्त से कभी भी भटक नहीं पाता। तीसरा मरहला दर हकीकत वो वाजिया निशानी और औसाफ भी हैं जो फर्द को जियारत के बाद हासिल होते हैं। चौथे मरहले में हमने आप पर ये वाजिया किया कि ज़ियारत अली या ज़ियारत हुसैन आपके खाकी वजूद को नसीब नहीं हो सकती,
क्योंकि खाक में इतनी ताकत नहीं कि वो अली के नूर की तजल्ली को बर्दाश्त कर सके, इसलिए ये ज्यारत आपकी रूह को करवाई जाती है बशर्ते कि इसमें ज्यारत के लिए जरूरी क्वालिटीज मौजूद हों। नाजरीन इन सभी मराहल को अच्छी तरीके से समझें और इसके बाद ही ज्यारत अली का वजीफा शुरू करें। इंशाल्लाह मोहम्मद वाली मोहम्मद के सदके में आपको जरूर कामयाबी होगी। हमारी अपने तमाम बहनों और भाइयों से खुसूसी रिक्वेस्ट है कि इस वजीफा और इस बयान को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मौला की बारगाह में आपको इस बयान को शेयर करने का अजर जरूर मिलेगा। नाजरीन आखिर में ज्यारत अली और ज्यारत हुसैन का शौक रखने वाले अफराद के लिए हमारे पीरो मुर्शिद की तरफ से एक खुसूसी ताकीद है कि वो सिलसिला से नक्श नादे अली फ्री मंगवा कर अपने गले में जरूर रखें। ये नक्श हमारे बुजुर्गों के हाथ से तहरीर है, लिहाजा इसे फ्री मंगवा कर अपने पास जरूर रखें ताकि सरकार के सदके में आपको जिंदगी के हर मैदान में फतह मिले और आपको ज्यारत अली और ज्यारत हुसैन भी कम वक्त में नसीब हो जाए। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला की जात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में आपको अहले बैत की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और अहले बैत के सदके में आपकी सभी नेक दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुब्हानअल्लाह या रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।